हेलो फ्रेंड्स, अनामिका चंद्रा के कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड स्पेशल ढूसका बनाएंगे। यह झारखंड का एक स्ट्रीट फूड है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप जब कभी भी झारखंड आएँ तो एक बार ढूसका ज़रूर खाएं। आज की रेसिपी में मैं ढूसका और आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि ढूसका के साथ आलू टमाटर या आलू चने की सब्जी ही हम लोग सर्व करते हैं। तो चलिए झारखंड स्पेशल ढूसका बनाना शुरू करते हैं। ढूसका बनाने के लिए मैंने इस कप से एक कप चावल लिया है। फ्रेंड्स, इसी कप से हम लोग आधा कप चने की दाल और 1/4 कप उड़द की दाल लेंगे और सबको अच्छे से धो लेंगे। ये आधा कप चने की दाल और ये 1/4 कप उड़द की दाल। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद इसे मैं 5 से 6 घंटे फूलने के लिए छोड़ दूंगी। मैंने इसे ढक दिया है। अब इसे 6 घंटे फूलने के लिए छोड़ूंगी। 6 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सब कुछ अच्छे से फूल गया है। अब मैं क्या करूंगी, ये सारा पानी को अलग कर लूंगी और फिर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी, इसमें हल्का सा पानी डाल करके। फ्रेंड्स, ये मैंने 3 मिर्ची डाल दिया है और ये जो मैंने भिगा के रखा था दाल चावल को, उसको भी मैंने डाल दिया है। 2 बार करके मैं इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, बस थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसका स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। आप एक बार में बहुत पानी नहीं डालें, इसका बैटर मैं दिखाऊँगी कि कैसा होना चाहिए। बहुत पतला इसका बैटर नहीं होना चाहिए। ये मैंने एक स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए। अब इसे 2 से 3 घंटे हम लोग ढककर छोड़ देंगे। मैंने बैटर को ढक दिया, अब 2 से 3 घंटे इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी। फ्रेंड्स, अभी मैं आलू की सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग ढूसका बनाने के प्रोसेस में चलेंगे, क्योंकि ढूसका के साथ आलू की सब्जी ही सर्व करते हैं। ये मैंने आलू की सब्जी बनाने के लिए 3 आलू को बॉयल कर लिया है और इसको बस जस्ट तोड़ लिया है। इधर मैंने 1 टमाटर को कट कर लिया है, 1 प्याज को कट कर लिया है और ये 2 हरी मिर्ची। इधर मैंने गैस पे कुकर रखा है, इसमें थोड़ा सा मैंने रिफाइन ऑयल डाला है। 1 छोटी चम्मच में ये जीरा डालूँगी। अब मैं ये हरी मिर्ची डाल देती हूँ और ये प्याज मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ये हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी स्टेज में मैं 1/2 छोटी चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसे भी हल्का सा भून लूँगी मैं, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसी स्टेज में फ्रेंड्स, मैं टमाटर डाल देती हूँ। मिक्स कर देंगे अच्छे से सबको। अब मैं मसाला डालूंगी। 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चुटकी के करीब काली मिर्च पाउडर। सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम मैं मीडियम ही रखूँगी। 1 चुटकी से भी थोड़ा सा कम ही हींग डाल दूंगी मैं, क्योंकि सब्जी का क्वांटिटी मेरा बहुत कम है। मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। 1/2 छोटी चम्मच में नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से हमारा टमाटर जो है वो जल्दी गल जाएगा। मसाले से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो हमारा आलू है उसको डालूंगी। मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। फ्रेंड्स, मैंने आलू को बहुत छोटा नहीं तोड़ा है, क्योंकि एक तो एक बॉयल किया हुआ है और फिर मैं कुकर में बना रही हूँ, तो ये गल के पूरा ग्रेवी ना हो जाए। बाद में ज़रूरत पड़ने पे मैं इसे तोड़ दूँगी।
फिलहाल नहीं तोड़ूंगी। आप चाहें तो इसमें चना डाल के भी बना सकते हैं, मैंने बस आलू और टमाटर की सब्जी बनाई है। आप चाहें तो बस आलू को ऐसे ही कच्चा छील करके भी ऐसे बना सकते हैं, उसमें बस सीटी ज़्यादा लगाना होगा। इसमें मैं बस 2 सीटी लगाऊंगी। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। पानी डालने के बाद मैं 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालूंगी। ये मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया, सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं ढक्कन बंद करके 2 सीटी आने तक इसे कुक होने दूंगी। 2 सीटी आने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया। इधर 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चुटकी हींग, ये सबको डाल के अच्छे से ये बैटर को मिक्स करेंगे। मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर ना भी डालें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी बैटर में हरी मिर्ची पीस दिया है। ये मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ी न ज़्यादा पतली। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ, मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। आप चाहें तो जब हम लोग चावल दाल वगैरह को पीसते हैं, जब हम लोग हरी मिर्ची डालते हैं, उसी टाइम अदरक और लहसुन ये दोनों भी थोड़ा थोड़ा, जैसे 3-4 कली लहसुन का और 1 टुकड़ा अदरक का आप डालकर पीस सकते हैं, उससे भी काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। इधर मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, मेरा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बैटर डालती हूँ। गैस का फ्लेम फ्रेंड्स मीडियम ही रखिएगा। बस ऐसे हम लोग को डालना है। बैटर में जितना अच्छे से खमीर होगा, उतना ही हमारा ढुसका जो है वो सॉफ्ट बनेगा। आप देख सकते हैं मेरे बैटर में अच्छे से खमीर हुआ है, इसलिए मेरा ढुसका जो है वो फूल रहा है। इसके ऊपर से हल्का हल्का ऐसे तेल डाल देंगे। पलट देती हूँ इसे मैं। कुकर का ढक्कन हटा दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है। और ये आलू जो बड़ा बड़ा साइज का दिख रहा है, उसे थोड़ा सा हम लोग तोड़ करके और मिक्स कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता इसके अंदर डालूंगी। मिक्स कर लेती हूँ। वापस से मैं ढक्कन लगा करके इसे छोड़ देती हूँ। ये मेरा एक ढुसका बनकर रेडी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसे मैं प्लेट में निकालूंगी। टिश्यू पेपर मैंने डाला है जिससे एक्स्ट्रा वायर निकल जाए। अब सेम प्रोसेस से सारे बैटर का हम लोग ऐसे ही ढुसका बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड वाला ढुसका भी काफ़ी अच्छे से फूल रहा है। अब मैं इसे पलट देती हूँ। ये मेरा 2 ढुसका बनकर रेडी है। सेम प्रोसेस से सारे बैटर का मैं ढुसका बनाकर रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने सारे बैटर का ढुसका बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने प्लेटिंग कर ली है, आलू की सब्जी, ढुसका और थोड़ा सा मैंने मूली को कट करके डाला है, थोड़ा सा मैंने प्याज कट करके डाला है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें ग्रीन चटनी भी बना करके प्लेट में डाल सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी बनकर रेडी हुआ है।
आप लोग भी एक बार मेरे स्टाइल से ढूसका ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा बना है। ये हमारा ढूसका सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।